दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखे हैं। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बनिए, क्योंकि उसमें मेडिटेशन के माध्यम से हम कैसे अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ सकते हैं ये मेथड बताया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का, ये जो दिसंबर का महीना है, गोचर इनको किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है तो ये हुई वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली का मतलब, अगर आपकी जन्म कुंडली में 8 का अंक लिखा है वृश्चिक लग्न की कुंडली, अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो कि जानिए वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखें। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में गोचर किस प्रकार से आ रहा है। देखिए, गोचर होता है ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रह जिस राशि पर चल रहे होते हैं, लग्न के अकॉर्डिंग हम उन ग्रहों को उसी राशि पर लिख देते हैं। तो बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु इस समय मीन राशि में आए हैं और केतु कहां पर आए हैं, आपके लाभ भवन में, मतलब कन्या राशि में आए हैं। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात करते हैं हम सूर्य की। 17 दिसंबर तक सूर्य आपकी लग्न में रहने वाले हैं और 17 तारीख को कहां चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये एक परिवर्तन हुआ। दूसरी बात करेंगे मंगल, जो कि अभी आपके लग्न में है, 28 दिसंबर को ये कहां चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। बुध की चर्चा करते हैं तो बुध 13 तारीख की शाम को, मतलब 14 दिसंबर से वक्री हो रहे हैं और 14 दिसंबर तक कहां रहेंगे, ये यही रहेंगे आपके धनु राशि में, लेकिन क्या हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और ये फिर उसके बाद कहां पर आ जाएंगे, आपकी लग्न में आ जाएंगे 29 तारीख को, 29 दिसंबर को। तो ये चर्चा हुई बुध की। बात कर लेते हैं शनि की। तो शनिदेव महाराज इस समय आपके लिए मार्गी चल रहे हैं और आपके फोर्थ हाउस में हैं। गुरु जो हैं इस समय वक्री चल रहे हैं और आपके सिक्स हाउस यानी मेष राशि में चल रहे हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र इस समय आपके 12वें स्थान और अपने ही घर तुला राशि में है। तुला राशि में 26 तारीख तक रहेंगे, फिर 26 को कहां आ जाएंगे, ये सीधा आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ये हुई चर्चा इस समय गोचर की। लग्न डेट वाइज देख लेते हैं, 1, 27 और 28 थोड़ा हेल्थ इश्यू है। 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 29, 30, 31, ये गुड टाइम है। आपको जो भी अपने अच्छे डिसीजन लेने इस टाइम में ले सकते हैं। 9 और 11, 9, 10, 11 खर्चे वाला टाइम है। 12, 13, 24, 25, 26 अपने स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। तो 14, 15, 16, 17 नॉर्मल टाइम है। 18, 19 ये थोड़ा मतलब माइंड में टेंशन देने वाला टाइम है। दूसरी बात है 20, 21 टाइम फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों की तरफ देखना है। 22, 23 एनिमी टाइम, ये वो टाइम है जब हमारे ऊपर हमारे शत्रु हावी हो सकते हैं। और फिर देखिए आप 9, 10, 11, 22 और 23 लव एंड रोमांस का टाइम है। तो ये हुई हमारा डेट वाइज सिस्टम। अब बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों का ये पूरा महीना किस प्रकार से जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लग्नेश आपका कौन है, मंगल। और मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। और सूर्य कहां से आए हैं, सूर्य आए हैं आपके 10th हाउस से, मतलब दशम भाव का मालिक और खुद लग्न का लॉर्ड, मतलब दोनों आपकी लग्न में बैठे। और लग्न क्या है, लग्न हम स्वयं हैं। कहने का मतलब यह है, ये जो पूरा महीना है कब तक के लिए, 17 तारीख तक, 17-12 तक आप जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे उससे अच्छा पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि आप जो भी काम करेंगे, क्यों, क्योंकि 10वें भाव का मालिक कहां पर आ गया, लग्न में आ गया। इसका यह मतलब होता है कि हमारा जो फोकस रहेगा
हमारे अपने कार्य क्षेत्र की तरफ रहेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। मंगल हमारा खुद मतलब जो लग्नेश है वो लग्न को देख रहा है, मतलब स्वयं हमें देख रहा है। इसका मतलब यह है कि शरीर में पूरी तरीके से ऊर्जा बनी रहेगी कार्य को करने के लिए, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। क्यों? सूर्य रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सरकार को। अगर आपका कोई भी काम सरकार से कोई लेना देना है, कोई ठेके से संबंधित काम है, या कुछ इस प्रकार का आप कार्य करते हो जिसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट सरकार के किसी मेजर डिसीजन की होती है, तो ये जो टाइम है 17-12 तक आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। दूसरी बात करेंगे आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का मालिक कौन है? सेकंड हाउस का मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। और ये होता कौन सा भाव है? ये भाव होता है हमारे कुटुंब का, हमारे बैंक बैलेंस का। मालिक इस समय यहां बैठे कौन है? बुध। और बुध आए कहां से हैं? एट्थ हाउस से, और आपके इलेवेंथ हाउस का 11वें भाव के मालिक हैं, और आपके 8वें भाव के मालिक सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? बुध जब सेकंड हाउस में आता है तो व्यक्ति को राजयोग देता है। पहली बात आप इस बात को नोट कीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस समय अगर पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कोई एग्जाम आ रहा है, तो आप ये समझिए कि दिसंबर के महीने में पूरी लगन के साथ पूरी आप ताकत लगा दीजिए पढ़ाई के लिए, और उस कंपटीशन को आप सफलतापूर्वक मतलब निकाल ले जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। देखिए बुध देख रहा है आपके कहां कौन से वाले भाव को? 8वें भाव को। तो अगर आपका कोई भी पैतृक संपत्ति है और आप उसे सेल करना चाहते हो या उससे कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये आपके लाभ भवन का स्वामी कहां पर बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है, मतलब पैसे वाले घर में बैठा हुआ है। तो बुध पूरे महीने कब तक है? 29 तारीख तक वो यहां पर बैठे हुए। तो ये जो टाइम है आपके लिए बेस्ट टाइम है। दूसरी बात ये और कहना चाहूंगा आपसे, 17 तारीख को सूर्य जो है कहां आ जाएंगे? सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो यहां पर बुध आदित्य योग आपका बन रहा है। मैंने आपसे बोला कि 17 तारीख से लेकर और 28 तारीख का जो समय अगर आप बिजनेस की दृष्टिकोण से देखते हो, तो ये बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला टाइम फिर से आपके पास आता है। कैसे? देखिए बहुत सारी बातें आप लोगों ने ये देखी होंगी कि जब आपने पूरे साल में कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया कि हमें इतना पैसा कमाना है, या इस टाइप की कोई भी आपने प्रोग्रामिंग की है, तो दिसंबर का ये वो महीना है कि आप अच्छा पैसा भी कमाइए और उसको इन्वेस्ट भी कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हाउस भी कौन सा होता है? हमारा सेकंड हाउस होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पैसा अगर आपके पास है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। कब से? 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा टाइम है। तो ये कुल मिलाकर बुध की जो स्थिति है आपके लिए अच्छी स्थिति मानी जा रही है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का मालिक है शनि। शनि कहां बैठे हैं? आपके भौतिक सुख साधनों वाले हाउस में बैठे हुए हैं। यह फोर्थ हाउस को हम मन का सुख भी कहते हैं, और हम प्रॉपर्टी और जितनी भी चीजें हैं, गाड़ी वगैरह है, जिससे भौतिक सुख साधनों का यह हाउस हम लोग कहते हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, मुझे कोई ना कोई मकान खरीदना है, तो शनि क्या कहते हैं आपसे कि इस पूरे महीने में अगर आपके पास बजट है और आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये मकान खरीदना है, तो ये सपना आपका दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। और अगर आप किसी भी प्रकार के शेयर की शेयर वगैरह के मार्केट में जाना चाहते हो, उससे लाभ लेना चाहते हो, तो ये भी एक अच्छा समय है। तो शनि यहां पर आपको क्या क्या चीजें दे रहे? एक तो आपको मकान, अगर आपके पास ये कोई आइडिया है या आप चाहते हो कि मुझे मेरा मकान बने, तो ये महीना बेस्ट साबित होगा आपके लिए। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है रोग ऋण शत्रु वाले भाव में। तो जब तीसरी दृष्टि जाती है तो उस स्थान को शनि क्या करते हैं? थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। इस बार आप ये देखिएगा कि जो भी शत्रु हैं वो आपसे क्या हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे, मतलब आप शत्रु पक्ष पर हावी रहोगे। सातवीं दृष्टि से देखता है आपके टेंथ हाउस को, कर्म के भवन को, और इस भवन में कोई भी ग्रह नहीं है। देखिए मैंने अभी
24 वीडियो की पूरी सीरीज बताई है जिसमें किसी लग्न की चर्चा नहीं है, लेकिन ये बताया है कि कौन सा ग्रह किस जगह पर किस प्रकार का परिणाम देता है। शनि जब सेवेंथ हाउस को टेंथ हाउस को देखते हैं अपनी सेवेंथ दृष्टि से, तो क्या करेंगे, उसकी बढ़ोतरी करेंगे। मतलब जो भी काम आप करना चाहते हो शनि इसमें आपको सपोर्ट करेंगे अपनी सातवीं दृष्टि से। सात आठ नौ दस, दसवीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है, शुक्र के मतलब आपके ट्वेल्थ हाउस में जा रही है। तो जितनी भी प्रकार का बैड सुख है या आप जो आप सपने देखते हो तो उसमें क्या करेंगे, ये बढ़ोतरी करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सोचिए कि मुझे ये खरीदना है, मुझे इस टाइप का बंगला खरीदना है, शनि यहां आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं देखिए आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है हमारे बच्चों का हाउस, हमारी इच्छाओं का हाउस और लव एंड रोमांस का हाउस, पढ़ाई का हाउस, ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, हमारी हेल्थ भी। जब राहु यहां पर आप देखोगे तो एक शरारत जरूर होती है कि जिस फील्ड में आप पढ़ना चाहते हो आपको पढ़ाई करा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे जॉब के लिए जा रहे हैं और इस समय गोचर या फिर आपकी कुंडली में भी फिफ्थ हाउस में राहु है और यहां पर आप देख रहे हो, तो क्या होगा, जिस फील्ड की आपने एजुकेशन ली है उस फील्ड में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ट्राई करना पड़ेगा जो आउट ऑफ द वे होगा। तो यहां पर राहु एक तो ये काम करते हैं, दूसरी बात यहां पर आप जो भी पढ़ना चाहते हो लीग से अलग हटकर काम कराना चाहते हैं यहां पर राहु। और राहु के अंदर एक खास बात होती है, राहु है हमारे विचार, और जिस प्रकार से आप सोचना शुरू कर दोगे राहु आपको उसी साइड ले जाना शुरू करते हैं। तो राहु का प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं पैसों के दृष्टिकोण से तो बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है ये फिफ्थ हाउस में आया हुआ राहु, व्यक्ति को अमीर बनाता है। दूसरी बात करते हैं छठे हाउस की। देखिए छठे हाउस में आपके कौन बैठे, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। और गुरुदेव बृहस्पति किस राशि में बैठे हुए हैं, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं जी आपकी मेष राशि में, मतलब मंगल की राशि में कौन बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति आए कहां से, देखिए एक तो आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं और एक आपके फिफ्थ हाउस के मालिक हैं। तो फिफ्थ हाउस का मालिक और सेकंड हाउस का मालिक कहां बैठा है, छठे हाउस में बैठा है। पहले तो आप ये कंडीशन समझ लीजिए कि जो भी आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है वो कहां से सॉल्व होगा, आपकी जॉब से सॉल्व होगा। मतलब जो काम आप करोगे, जो सेवा आप दे रहे हो वो आपके लिए फलीभूत होगी। जब भी गोचर में या जब भी आपकी जन्म पत्री में छठे हाउस में अगर आप गुरु देखते हो तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि उसकी पांचवी दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5 हमारे टेंथ हाउस में। मतलब जो भी काम हम करेंगे पूरे दृढ़ निश्चय होके करेंगे और काम से पैसा कमाएंगे। सातवीं दृष्टि जाती है ट्वेल्थ हाउस में, काम जो खर्चा होगा हमारा अच्छे कामों में खर्च होगा। और जो नवीं दृष्टि जाती है वो जाती है देखिए सात आठ नौ सेकंड हाउस को, मतलब बैठे बैठे गुरुदेव बृहस्पति सिक्स हाउस में सेकंड हाउस में अपनी अमृत दृष्टि देते हैं, फिफ्थ टेंथ हाउस में अपनी पांचवी अमृत दृष्टि देते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि जिस सेक्टर में भी जिस फील्ड में भी आप हो आप उसमें अगर अपना अच्छा भाग्य आजमाना चाहते हो, मतलब टेंथ हाउस में अगर आप वर्क करते हो अच्छा वर्क करते हो तो पैसा बहुत बनता है। जिन लोगों का सिक्स हाउस में जन्म पत्री में गुरुदेव बृहस्पति, ये गोचर की बात चूंकि मैं आपसे कर रहा हूं तो ये वो टाइम होता है कि जब आपके गोचर में सिक्स हाउस में बृहस्पति है, तो इस समय आप जो भी काम करोगे पूरी के पूरे दिमाग लगा के आप काम करो, बैंक में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं देखिए आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस का मालिक कहां बैठा है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। तो ये क्या चीज है, देखिए इस समय जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अब मैं शुक्र के ऊपर आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेकेंड हाउस का मालिक शुक्र है और हमारे ट्वेल्थ हाउस का मालिक भी कौन है, शुक्र है। आप ये समझो कि जब भी ट्वेल्थ हाउस में आपको शुक्र दिखे आपकी, मतलब वृश्चिक लग्न वालों की, तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है तो वो लगातार लगातार ट्राई करेंगे विवाह के लिए और बहुत जल्दी बहुत शीघ्र उनका विवाह होगा। मतलब कोई ना कोई दिसंबर में आपको ऐसा प्रपोजल दिखेगा जिसमें कि आप हाँ कह दोगे। लेकिन शादी करने से पहले एक बार जो भी आपका जीवन साथी बनने जा रहा है उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, उसका रीजन क्या होता है,
कि जो ये सारा सीन है ना, मैंने आपको अपनी सारी लग्न वाली वीडियोस में ही बता रखा है, जब 12th हाउस में गोचर के अकॉर्डिंग शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को क्या करता है कि आसानी से कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। कैसे? कभी किसी, मतलब उसके जो संबंध है ना, जो लव एंड रोमांस वाले संबंध अलग अलग लोगों के साथ होते, इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्र है वैभव का मालिक। 12th हाउस में, 12th हाउस को हम किस तरीके से देखते हैं, ये हमारा बेड का हाउस भी है, मतलब जहां हम सोते हैं। तो जहां पर शुक्र की एनर्जी होती है, व्यक्ति के विचार भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस पूरे महीने आपका जो मन, आपका पूरा मन प्रफुल्लित रहेगा। पहली बात, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी होने की पूर्ण संभावना आपकी रहेगी दिसंबर में, और जो मैरिड है उनका भी कहीं ना कहीं कोई और साथी भी उनको पसंद आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये वृश्चिक लग्न वालों के साथ खास है, क्योंकि उनके 12th हाउस का मालिक और उनके 7th हाउस का मालिक शुक्र ही है। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर पैसे के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो शुक्र यहां पर, देखिए पार्टनरशिप का हाउस भी होता है, तो यहां पर पैसा आपको अच्छा बनेगा और खर्च भी होगा। मतलब किस चीज के ऊपर होगा? वैभवता के ऊपर आपका खर्च होगा। तो ये सारी चीज है। अब चर्चा करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस की चर्चा बुध के थ्रू हो गई है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस के मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2 दिन बाद अपना स्थान चेंज करते हैं। ये जितनी डेट्स होती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही होती है। अब 10th हाउस बात हो गई, बात करेंगे आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में आया हुआ केतु, लाभ भवन में केतु क्या काम करते हैं? व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अचानक लाभ दिलवाना शुरू कर देते हैं, जो चीज आपने सोची भी नहीं। देखिए अगर राहु और केतु में, दोनों चीजों में क्या फर्क है, केतु वो चीज है जो गहराई है, केतु एक तरीके की प्यास है। अगर आप ज्यादा प्लानिंग करके कोई काम करते हो, मैं ये काम करूंगा तो ये लाभ होगा, वहां केतु आपका काम नहीं करता। अचानक आप कोई बिजनेस करते हो और आपने कोई काम देखा, आपने अभी सोचा नहीं है उसके बारे में, लेकिन अचानक आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करा देते हैं। ये है केतु, जब भी गोचर में आपके 11th हाउस में आएगा तो समय समय पर आपको मोटा लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप देखिए, अभी ये 18 महीने आपकी सेवा में है, 18 महीने तक आप ये देखोगे कि कोई ना कोई अचानक लाभ, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपको कोई ना कोई अचानक लाभ हो जाया करेगा। अचानक लाभ वो होता है जिसकी हम प्लानिंग नहीं करते। बिजनेस हम वही कर रहे होते, सर्विस हम वही कर रहे होते, कभी पता चला कि हमने शेयर खरीदा हुआ है बहुत समय पहले और आज उसका रेट बढ़ गया, एक बात, ये भी अचानक लाभ है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बहुत टाइम का, और वो अचानक कस्टमर आता है और क्या होता है, वो सेल ऑफ हो जाता है, ये भी हमारा क्या है, अचानक लाभ वाली बात होती है। जिस पैसे को हम ये समझ, जिस प्रोडक्ट को हम ये समझ रहे थे ये अटक गया, लेकिन वो अचानक बिक जाता है, और बिकता भी कैसे, अच्छे लाभ देकर आपको जाता है। तो ये है केतु की यह भूमिका। शुक्र की चर्चा यहां हो गई। शुक्र जब भी 12th हाउस में आएंगे व्यक्ति को रोमांटिक बनाते हैं, खर्च किस चीज पर कराते हैं, वैभवता के ऊपर खर्च कराते हैं, और उनके जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होता है, अपने अपोजिट जेंडर के साथ होते हैं। ये चीज यहाँ पर शुक्र आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये खर्चे को के साथ साथ आपकी इनकम को, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप वाला हाउस है वहां से पैसा कमा कर भी आपको देते हैं। तो ये है टोटल जो वृश्चिक लग्न वालों का ये जो पूरा दिसंबर का महीना है। अगर आपको समझ में आया हो कि पूरा महीना पैसे से भरा हुआ है, आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, अपने समय का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, गोचर आपको पूरी तरह से पेमेंट देने की स्थिति में है, मन को अच्छा रखेगा, अपने से बाहर को खर्च करेगा, मतलब वैभवता के ऊपर आप लोग खर्च करोगे, रोमांस पे आप लोग खर्च करोगे, तो ये सारा जो सीन बना हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव सीन मैं आपके लिए देख रहा हूं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।